हेलो गाइस, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल और लेके आ गया हूं एक वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें बगल में बेल नोटिफिकेशन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुँचे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ड्यू में एडमिशन कैसे लेते हैं, या एजुकेशनल वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। और आज आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा कुछ, मेरे साथ आज वर्षा जी हैं, आपको वही बताएंगे कि ड्यू में एडमिशन कैसे लेते हैं और बहुत सारे टॉपिक पे वो आज आपसे बात करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि आज रात 11 बजे से हमारे चैनल पर लव स्टोरी आएंगी, वो भी रोल बाय रोल ऑडियो मूवी की तरह, जो कि आपने वी और उमर की एक स्टोरी सुनी थी उसी का ही पार्ट टू हम लोगों ने रोल बाय रोल किया है। वो 11 बजे आप लोग सुन पाएंगे हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वर्षा जी के पास, जो कि आपको बहुत रोचक जानकारी आज आपको देंगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो एक बार फिर से, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वर्षा जी के पास। तो अगली आवाज वर्षा जी की, वीडियो को एंजॉय करें और अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मैं वर्षा एक बार फिर से राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब बताएं कैसे हैं आप सभी। और आज मैं एजुकेशन के पर्पस से वीडियो लेकर आई हूँ। और हाल फिलहाल में 12th का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट बीए में एडमिशन लेंगे डीयू में अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो इस वजह से आज मैं बहुत सारे टॉपिक पे करूँगी बात। और आज मैं बताने वाली हूँ कि ऑनर्स, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में क्या फ़र्क है, ऑनर्स क्यों जरूरी है, प्रोग्राम क्यों जरूरी है, और ऑनर्स के बाद करियर क्या है, प्रोग्राम के बाद करियर क्या है, और डीयू में एडमिशन लेने का मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी आप सभी को। और ओपन लर्निंग जो होती है डिस्टेंस से पढ़ाई करने में और रेगुलर पढ़ाई करने में, रेगुलर स्टडी और डिस्टेंस स्टडी यानी कि ओपन लर्निंग में क्या फर्क है, इन सारे टॉपिक पे आज मैं करने वाली हूँ बात। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ कर दें शेयर, और पास में बेल आइकन का बटन है उसको करें प्रेस ताकि हमारी हर आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि 11 बजे रात को हमारा प्रोग्राम आने वाला है, ऑडियो फिल्म। उसमें जो मैं सबसे पहले कहानी लेकर आई थी वी और यू खान की, उसका नाटकीय रूपांतरण किया गया है एक सीरियल के टाइप से, तो उसको भी आप लोग देखना ना भूलें। और चलो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो और मैं आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि डीयू में एडमिशन कैसे होता है। तो उसका प्रोसेस ये है कि जब आपका 12th का एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीयू में एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का डेट आएगी रजिस्ट्रेशन की, और आप अपने दोस्तों से या तो किसी साइबर कैफे का नंबर ले लें और कॉल करके आप पूछ सकते हो कि कॉल अनलेबल्ड बैक बटन वॉइस रिकॉर्डर पॉज बटन। हाँ, तो मैं आप सभी को एडमिशन का प्रोसेस बता रही थी, सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए। और फिर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद कॉलेज की आएगी कट ऑफ लिस्ट। डीयू के 170 कॉलेज हैं, सारे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं सारे अपना कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो उस टाइम पे एक
आपका DU का ईमेल आईडी क्रिएट होगा, उस ईमेल आईडी को हमेशा संभाल कर रखें, अपने डायरी में आप लिख सकते हो या तो अपने फोन में नोट करके उसको अच्छी तरीके से संभाल कर रखें, क्योंकि वो आगे काम आएगा। आप जो फीस वगैरह पेमेंट करोगे कॉलेज की, वो उसी ईमेल आईडी से होगी, तो प्लीज उसको संभाल कर रखें। पासवर्ड याद रखें या तो कहीं लिख कर आप रख सकते हो अपने पास। फिर कट ऑफ लिस्ट आएगी, तो आप कट ऑफ लिस्ट डिपेंड करता है आपके परसेंटेज पे, कि ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंटेज हैं, इस पे डिपेंड करता है कट ऑफ लिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा एडमिशन का। फिर जिस कॉलेज के कट ऑफ लिस्ट से आपका परसेंटेज मैच करता है, आप उस कॉलेज में जाओगे, फिर आपका एडमिशन होगा। ऑनर्स और प्रोग्राम में डिपेंड करता है कि आप ऑनर्स से बीए करना चाहते हो या प्रोग्राम से करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। और कॉलेज में जाकर आप एडमिशन लोगे। फिर DU में फी पेमेंट करोगे साइबर कैफे से, या तो अपने पेटीएम से करोगे या तो साइबर कैफे से आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा DU में। और नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, ऑनर्स या प्रोग्राम दोनों में क्या फर्क है, क्या लेकर पढ़ेंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस चीज को लेकर काफी सोचते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी ट्वेल्थ का एग्जाम देते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि ऑनर्स लेना है प्रोग्राम लेना है। तो ऑनर्स भी अपनी जगह पे अच्छा है और प्रोग्राम भी अच्छा है, लेकिन ऑनर्स में होता ये है कि आप एक सब्जेक्ट जो लेते हो, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, कई सारे ऑनर्स है, तो उसको लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनर्स इसलिए जरूरी है, जैसे आप बीए के बाद एमए करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, आप जैसे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, या तो कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हो, तो इसके लिए ऑनर्स सही है, क्योंकि आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में आप मतलब आपको कमांड मिल जाएगा, आप मास्टर हो जाओगे ऑनर्स की वजह से, तो इस वजह से ये ऑनर्स है। हालांकि जो प्रोग्राम से बीए करते हैं वो भी एमए, एमफिल, पीएचडी कुछ भी कर सकते हैं, वो भी टीचिंग लाइन में, प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑनर्स ज्यादातर यही लोग लेते हैं जो टीचिंग लाइन में जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम की, तो बीए प्रोग्राम जैसे आप पढ़ते हो तो आप सारे सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट के विषय में आपको नॉलेज मिल जाती है। और मेरे पास भी बीए प्रोग्राम है जिसमें होगा हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, और कुछ सब्जेक्ट आपके पास ऐसे होंगे जो मतलब आते जाते रहेंगे। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहोगे तो आपको एक इन्वायरमेंट एजुकेशन मिलेगा, सेकंड में जाओगे आपके पास दो हिंदी, मतलब सेकंड सेमेस्टर से आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपको क्या चाहिए। आप दो हिंदी ले सकते हो, दो पॉलिटिकल, दो हिस्ट्री, दो इंग्लिश, इस तरीके से आपके पास एक मार्स कॉम का भी ऑप्शन मिलेगा, शायद वो फाइनल ईयर में है मार्स कॉम का ऑप्शन, मार्स कम्युनिकेशन, मार्स मीडिया जिसे कहते हैं, उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद भी आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हो बीए के बाद, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम UPSC के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ऑनर्स प्रोग्राम इनमें इतना कोई डिफरेंस है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कट ऑफ लिस्ट मतलब आपके परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको ऑनर्स या प्रोग्राम मिलेगा। जैसे अगर 84 आपका है, 84-85 अबव 80 है आपके मार्क्स, तो नॉर्थ कैंपस में आपको आराम से ऑनर्स भी मिल सकता है, प्रोग्राम भी मिल सकता है। अगर 60-70 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 70-80 तक है अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर, फिर आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। PGDA भी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं साउथ कैंपस के, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको ऑनर्स भी मिल सकता है, प्रोग्राम भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि BA ऑनर्स के बाद क्या करियर है, प्रोग्राम के बाद क्या करियर है, मतलब कुल मिला के ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर हम जॉब की बात करें, तो जैसे हम 10th 12th करते हैं तो हमें ग्रुप डी की जॉब मिलती है,
जैसे बहुत सारे लोग अभी MTS का फॉर्म आया हुआ है, उसमें लोगों ने फॉर्म डाला, इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने रेलवे में जॉब ली है, तो वो 10th 12th बेस पे था, कोई वो नहीं है उसमें ज्यादा। और अगर आप BA कर लेते हो फिर आपको ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए का ऑप्शन मिल सकता है, मतलब आप ग्रुप सी से लेकर ए ग्रेड ऑफिसर तक बन सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में। बैंकिंग का सारा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, बैंक PO, बैंक क्लर्क, और भी कई सारे ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी देख लो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी देख सकते हो, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। सिर्फ डी ग्रेड है जो हमें 10th 12th के बाद डी ग्रेड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ABC इसका ऑप्शन हमें ग्रेजुएशन के बाद मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप इसको देख लें एक बार। और अब हम बात करेंगे कि अभी MTS का फॉर्म आया हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म आया हुआ है, 10th बेस पे है, तो प्लीज अगर आप लोगों में से किसी ने इस फॉर्म को अब तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर ले जाकर, अच्छा ऑप्शन है। 28,000 to 30,000 तक सैलरी है, मैंने भी इस फॉर्म को भर दिया है और आप लोग भी फॉर्म भरें, अभी 2-4 दिनों तक डेट और है इस फॉर्म का, तो जल्दी से भरें क्योंकि जब डेट खत्म होने की तारीख नजदीक आ जाती है तो उसके बाद वेबसाइट भी चलना बंद हो जाता है, तो इस वजह से प्लीज वीडियो को देखने के बाद जाकर इस फॉर्म को भरें। अब हम बात करेंगे कि ओपन से मतलब ओपन लर्निंग और रेगुलर लर्निंग, ओपन स्टडी और रेगुलर स्टडी में क्या फर्क है। तो दोस्तों फर्क ज्यादा नहीं है, इस चीज को लेकर भी बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि रेगुलर ओपन से अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल बात ये होती है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डेट का पता नहीं चलता, अवेयरनेस की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाते, या आपके मार्क्स कम भी होते हैं, तो आप निराश ना हो, आप ओपन से फॉर्म डाल सकते हो, DU डिग्री की ही होगी, आपको एक कॉलेज दिया जाएगा जहां आप 2 दिन सैटरडे और संडे को क्लास करने जाओगे। और ओपन से ये फायदा है कि अगर आप कुछ साइड से पार्ट टाइम इनकम भी कर रहे हो, कोई जॉब भी कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो या तो आपने कुछ जॉब के बारे में सोचा है तो आप देख सकते हो, ओपन भी अच्छा है, मतलब एक ही डिग्री होती है, डिग्री तो DU की ही है, कॉलेज की डिग्री होगी जो कॉलेज आपको दिया जाएगा, मतलब हमारे काफी सारे दोस्त हैं जिनको सत्यवती कॉलेज दिया गया है ओपन से, वो सैटरडे संडे को क्लास करने जाते हैं। ओपन स्टडी ओपन लर्निंग भी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो आप किसी भी प्रॉब्लम से, तो आप ओपन में ले लो, अपना साल वेस्ट मत करो, क्योंकि इंसान को कभी भी और चीजें मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन हमारा समय हमें मिल नहीं सकता। जो समय हमने गवा दिया वो गवा दिया, हम अपना समय वापस नहीं ला सकते, इसलिए समय बहुत ही कीमती है, समय का सदुपयोग करें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। और 12th का एग्जाम आने वाला है तो सबको बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करूंगी आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। और थैंक यू। स्टॉप बटन।